गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं ज्योति मैम के प्यारे प्यारे बेबीज? अच्छे हो? आपको पता है आज मैम क्या कराने वाली है? आज मैम आपको अपने एक न्यू फ्रेंड से मिलवाएंगी। ये कौन है? ये ज्योति मैम की न्यू फ्रेंड है, मैम की बटरफ्लाई। आपको अच्छी लगी? ज्योति मैम ने पेपर फोल्डिंग के थ्रू ये वाली ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बनाई है। आपको पता है हम बटरफ्लाई क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इस मंथ हम इंसेक्ट सीखने वाले ना, इंसेक्ट कौन कौन से होते हैं और बटरफ्लाई एक इंसेक्ट है, छोटा सा इंसेक्ट है ना, बट ये बहुत ब्यूटीफुल होता है। आपने बटरफ्लाईज देखी है ना, कलरफुल बटरफ्लाईज कितनी अच्छी लगती है? ज्योति मैम को भी बहुत अच्छी लगती है और आपको भी बहुत मजा आएगा ये बटरफ्लाई बना के। वीडियो में जैसे जैसे ज्योति मैम ने पेपर को फोल्ड किया है आपको भी बिल्कुल वैसे ही करना है, ओके? और आप ओरिगामी शीट यूज कर सकते हो और किसी भी कलर का पेपर यूज कर सकते हो, ओके? पिक्चर क्लिक करके ज्योति मैम को जरूर शेयर करना है, ओके? अब स्टार्ट करें, चलो। सबसे पहले हमें एक ओरिगामी शीट लेनी है। अगर आपके पास A4 साइज़ का पेपर है तो आप ध्यान से देखिए ज्योति मैम कैसे उसे स्क्वायर शेप में कट कर रही हैं। आप भी ऐसे ही उसको पहले डायगनली फोल्ड कीजिए, ठीक है? और फिर जो साइड वाला पार्ट है उसको सीजर से कट कर दीजिए। अब आपके पास स्क्वायर शेप आ गई और हम एक कॉर्नर को पकड़ लेंगे और हम उसे फोल्ड करना शुरू करेंगे, ठीक है? फोल्ड करो, प्रेस करो, ठीक है? देन फोल्ड करो, प्रेस करो, फिर उल्टा करो, फिर प्रेस करो एंड फोल्ड करो, ठीक है? जैसे हम फैन फोल्डिंग करते हैं ना, सेम आपको वैसे ही करनी है, बट इसमें हम स्ट्रेट फोल्डिंग नहीं करेंगे, डायगनली करेंगे, ठीक है? ध्यान रखना है कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो पॉइंट बिल्कुल लास्ट वाले पॉइंट पर आ करके एंड हो, ओके? जहाँ से हमने शुरू किया था वैसे ही डायगनली आते आते लास्ट पॉइंट पर एकदम परफेक्टली हम यहाँ पर एंड कर देंगे, ओके? अब हम एक रबर बैंड लेना है और उसको अच्छे से हमें यहाँ पर फिक्स कर देना है रबर बैंड की हेल्प से, ताकि ये खुले ना, ठीक है? आप मम्मा की हेल्प ले सकते हो यहाँ पर। अब हम फिर से एक और पेपर लेंगे और उसे भी हम स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। आप अपनी चॉइस से किसी भी कलर का पेपर ले सकते हो, पिंक अगर नहीं है तो आप कोई और पेपर भी ले सकते हो, ठीक है? अगर ओरिगेमी शीट्स हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बात है फिर तो, ओके? अब ध्यान से देखो, जैसे हम फैन फोल्डिंग करते हैं आपको पहले फोल्ड करना है, प्रेस करना है, फिर शीट को टर्न कर देना है और दूसरी तरफ से भी पेपर को फोल्ड करना है, ओके? फोल्ड करो, प्रेस करो, टर्न द शीट, देन अगेन फोल्ड इट एंड प्रेस करो, वेरी गुड। ऐसा करने से हमारा पूरा पेपर फोल्ड हो जाएगा और इस बार हमने स्ट्रेट फोल्डिंग करी है, डायगनली नहीं की है। इसे भी हम रबर बैंड की हेल्प से फिक्स कर देंगे। अब दोनों शेप्स को ऐसे पकड़ना है और एक और रबर बैंड लेना है और दोनों को सेंटर से ऐसे, ध्यान से देखो ज्योति मैम कैसे कर रही हैं, ऐसे फिक्स कर देना है परमानेंटली। अब ये बिल्कुल नहीं खुलेगा। अब हम इसके विंग्स को स्लोली स्लोली ऐसे ओपन कर देंगे। जो पेपर फोल्डिंग आपने की थी ना, दोनों हैंड्स का यूज़ करके आपको बेटा इसे अच्छे से ओपन करना है। ऐसे अच्छे से आप इसको स्ट्रेच करो, फिर ये बिल्कुल रियल विंग्स की तरह लगेगा एंड इट विल लुक वेरी नाइस। अब आपको लाइट कलर का एक पेपर लेना है, उस पर सर्कल बनाना है एंड ओवरलॉन्ग शेप बनानी है एंड ऐसे टू एंटीनास बनाने हैं और उनके अंदर ब्लैक कलर फिल कर देना है स्केच पेन से ही, ठीक है? आप चाहो तो ब्लैक कलर जो है बाद में फिल कर सकते हो पेंसिल से ड्राइंग बनाने के बाद। आईज एंड स्माइल बनाने के बाद बॉडी में हम कर्व्स बना देंगे, ओके? अब आपको क्या करना है, इस शेप को सीजर की हेल्प से मम्मा से कट करवाना है और जो बॉडी में हमने लाइंस बनाई थी उसमें कलरिंग करनी है बहुत अच्छे से, ब्यूटिफुली, ठीक है? बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, ध्यान से कलरिंग करनी है आपको। आप अपनी चॉइस से कोई भी कलर ले सकते हो, ठीक है? बट ये ध्यान रखना है कि कलर बाहर नहीं निकलना चाहिए और वाइट वाइट भी बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है? आपको पूरी कलरिंग खुद करनी है, मम्मा से नहीं करवाना है, ओके?
कलरिंग ओवर होने के बाद अब आप फेविकॉल आईज वाले पार्ट पर लगाओगे और ये गूगली आईज पेस्ट कर दोगे। अगर आपके पास ऐसे आर्टिफिशियल आईज नहीं है तो फिर आप पेपर से भी आईज बना करके पेस्ट कर सकते हो। ओके, अब विंग्स के ऊपर हम फेविकॉल लगाएंगे और ये बटरफ्लाई की बॉडी पेस्ट कर देंगे और थोड़ी देर तक हम इसे ड्राई होने देंगे। ओके, अब आपकी बटरफ्लाई कंप्लीट है। बाय।